लेटर्स टू एडिटर्स, संपादक को पत्र, विच इज आस्क्ड इन क्लास 12th, जो कि कक्षा 12th में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे स्वयं का एड्रेस, यानी खुद का एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है 25th रामनगर जयपुर, और उसके बाद डेट लगाएंगे 5th मार्च 2021, क्योंकि यहाँ पर अपने RBSC में मार्च में एग्जाम होती है, इसलिए मैंने मार्च की डेट जो है इसमें डाली है। उसके बाद जिससे अपन पत्र लिख रहे हैं उसको जो है लिखेंगे, जैसे एडिटर को पत्र लिखा है अपन ने, तो एडिटर को पत्र लिखा है तो सबसे पहले उसको संबोधन करेंगे एडिटर, और एडिटर कौन से अखबार का है उस अखबार का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है एडिटर जो है राजस्थान पत्रिका जयपुर, राजस्थान पत्रिका जयपुर, इस प्रकार से उसका संपादक का नाम और जिस पेपर का वो है उस पेपर का नाम अपन लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमें लिखा है रिगार्डिंग, और उसके बाद समस्या का नाम, जो भी समस्या है उस समस्या का नाम जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। समस्या का नाम लिखने के बाद जो है संबोधन लिखेंगे, यानी डियर सर। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उस पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, मैं जो अधिकारी गण हैं उनका, प्रशासन का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवार्ड्स, और फिर वही समस्या का नाम जैसे अपन ने लिखा था इनसैनिटरी कंडीशन। तो इनसैनिटरी कंडीशन अगर लिखा है तो इनसैनिटरी कंडीशंस यहाँ पर लिख दीजिए। इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स और रिमाइंडर्स के बावजूद भी देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इट इज़ द सेम एज इट वॉज इन द बिगिनिंग, ये वैसी ही है जैसी कि बिगिनिंग में थी, प्रारंभ में जो समस्या थी वो वैसी की वैसी ही समस्या है। फिर उस समस्या के बारे में कुछ चंद लाइनें उस समस्या के बारे में लिखना है। मान लीजिए हमने ऊपर लिया था, समस्या लिखी थी इन सैनिटरी कंडीशंस, तो हम कह सकते हैं देयर आर हीप्स ऑफ रबिश एवरीवेयर, वहाँ हर जगह जो है कूड़े के कचरे के जो है ढेर हैं। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, और स्वीपर जो है वो रेगुलरली नहीं आता है। इस तरह से उसके बारे में, समस्या के बारे में अपन लिखेंगे दो चार वाक्य, और उसके बाद हम समस्या के बारे में लिखने के बाद में वी होप, जो एंड करेंगे अपन लेटर का उसमें लिखेंगे वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक द प्रॉपर एक्शन, हम आशा करते हैं दैट द कंसर्न अथॉरिटीज, कि संबंधित जो अथॉरिटीज है, जो अधिकारी हैं, विल टेक द प्रॉपर एक्शन, वो प्रॉपर एक्शन लेंगे। और उसके बाद में थैंकिंग यू, और लास्ट में जो है उसका एंड करेंगे योवर्स फेथफुली एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हम जो संपादक को पत्र लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।